नमस्कार दोस्तों, आज का प्रैक्टिकल सेशन हमारा फोकस रहेगा ट्रायंगुलर पैटर्न को जनरेट करना। ये तीन चार ट्रायंगुलर शेप है, डिफरेंट डिफरेंट, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। ये सबसे पहले ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये, ठीक है। तो ये ट्रायंगुलर शेप हम जनरेट करेंगे और इसके अंदर हम नेस्टेड लूप की कॉन्सेप्ट लेंगे। पिछले आप लोगों को मैंने प्रोग्राम में ये करवाया था मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। तो इसके अंदर रो एंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके हमने प्रिंट किया था। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी प्रोग्राम में। इसमें हम एक तो स्पेसिफाई कर लेते हैं एन, और एन को हम रीड करेंगे सी आउट इंटर वैल्यू ऑफ एन, ठीक है जी। एंड एल और सी इन में आपका ये रीड हो जाएगा एन, दैट्स इट। अब एन रीड आपने कर लिया यहां पर। एन को रीड करने के बाद देखिए, यहां पर रो में हम एन तक चलाएंगे, ठीक है, और इस रो को हम चलाएंगे रो तक, ठीक है जी, गेट माई पॉइंट। और यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले रो को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब इसको आप सेव कर लीजिए। सेव करके इसको रन कीजिए। एन फोर फाइव ये ले जी, ये हमारी पहली शेप जनरेट हो गई। इसके अंदर ये देखिए आप कि यहाँ पर रो को वन से स्टार्ट किया है एन तक, यानी फाइव तक चला है, और प्रत्येक बार एक का इंक्रीमेंट, यानी यहाँ से यहाँ तक, वन से लेके फाइव तक ये रो चलनी है। दूसरा अंदर कॉलम वाला कॉलम है, तो ये पहला अंदर का जो लूप है वो प्रिंट करेगा अकॉर्डिंग टू रो, यानी फर्स्ट टाइम रो फर्स्ट है, ठीक है। तो आप लोगों का एक बार चला, फिर अगली बार इंक्रीमेंट लग के रो टू हुई तो ये दो बार चला, रो कांस्टेंट, रो की वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं तो ये कांस्टेंट है, मतलब इस एक लूप के दौरान ये स्थिर रहेगी, रिपीट होती रहेगी। फिर उसके बाद थ्री थ्री, फिर फोर फोर, फिर फाइव फाइव, इस तरह से ये आपका लूप चलेगा। मतलब आपका जो प्रिंटिंग करने का इसका मेन काम है, ये इनर लूप का है, आउटर लूप का रो को पॉइंट करना, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको दूसरा इसी के अंदर पैटर्न बताता हूँ। अब यहाँ पर रो के बजाय हम कॉलम प्रिंट कर दें, ठीक है, रो के बजाय कॉलम प्रिंट कर दें। तो जब रो के बजाय हम कॉलम प्रिंट करेंगे तो वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, ये वाला पैटर्न हमारा चलेगा, ठीक है। देखिए इसको सेव कर लिया, सेव करके इसको रन कीजिए। वही रो फाइव दीजिए, ये देखिए ये आपका पैटर्न सेकंड वाला, वन वन टू, वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, दो पैटर्न हो गए हमारे पास, ठीक है। अब इसी के अंदर हम एक तीसरा पैटर्न बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक और वेरिएबल ले लेना है, उसको हम सपोज ए ले लिया और इसकी इनिशियल वैल्यू डाल दी वन, ठीक है। यहाँ कॉलम के बजाय प्रिंट हमने कर लिया ए, और ये प्रिंट करने के साथ साथ ए के अंदर
एक इनपुट मतलब इंक्रीमेंट लगाता रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम ए की वैल्यू 1 प्रिंट होगी, फिर 2, 3, फिर 4, 5, 6, एज सो ऑन। ये देखिए ये वाला पैटर्न जनरेट होगा, ये वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देखिए सिंपल सा है, कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया हमने, केवल एक वेरिएबल इसके अंदर हमने बढ़ा दिया। ओके, तो अब आप इसको रन करके देखिए, ये लीजिए। फाइव लीजिए, ये लीजिए, हो गया। यानी आपकी तीन शेप हो गई। अब इसी तर्ज के ऊपर हम अगली शेप बनाते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको तो हमने कर दिया सेमी कॉलन, ठीक है। यहाँ इसी ए वेरिएबल को हमने करेक्टर ले लिया, और करेक्टर के अंदर हमने इनिशियलाइज कर दिया कैपिटल ए, ठीक है। बस यही इनिशियलाइज किया हमने और कुछ नहीं किया। इसको सेव कर दीजिए, और बाकी वही चीज़ है, कोई ज़्यादा आपको करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सेव करके बस आप इसको रन कीजिए, ये लो। इसमें वही 5 अपन देते हैं, तो ये देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है। ये आपका प्रिंट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे, ठीक है। अब एक चीज़ आपकी रह गई, उसके लिए हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको काट देते हैं, ठीक है। इस ए की भी हमें ज़रूरत नहीं है, अब इसको भी काट दो, ठीक है। ए प्लस प्लस की ज़रूरत भी नहीं है, इसको भी काट दो, ठीक है। अब इसके अंदर कोई भी पैटर्न हमें करना है, तो जैसे डबल कोटेशन में हमने स्टार दिया, ठीक है। अब स्टार दिया, अब स्टार को आप डिस्प्ले करवा दो, ये लो रन कराओ। फाइव ये लीजिए, आपकी ये शेप भी इससे जनरेट हो गई। मतलब कहने का अर्थ ये है, यहाँ डबल कोटेशन में आप जो कुछ भी दोगे वो इसके अंदर जनरेट हो जाना, ठीक है। देखिए इसमें इस बार मैं अपना नाम देता हूँ, ठीक है। ये लो जी, ये मैंने अपना नाम दे दिया, और स्पेस मैंने थोड़ी सी इसकी 5 से 6 कर दी, ठीक है। ये लो जी, ओके। तो इस तरह से ये पैटर्न जनरेट हो गया, ये लो। तो आपने देखा डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रायंगुलर फिगर हमने किस तरह से जनरेट किए। ये प्रैक्टिस की बात है, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा इसके साथ पंगे लोगे, जितनी ज़्यादा अपना दिमाग लगाओगे, उतने ज़्यादा आप पैटर्न इसमें जनरेट कर सकते हो। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा ट्रायंगुलर शेप, और मुझे उम्मीद है कि आप इसी तरह की और भी पैटर्न हैं वो अपने माइंड से जनरेट करोगे, ठीक है। एग्जाम्स के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।